नानी बेटा देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए। जरूर कुंदन वाले के वहां से सेट लाए होंगे। दिखाइए जल्दी से। लैपटॉप? पापा आपको कैसे पता चला कि हमें इसकी जरूरत है? बेटा हमने सुन लिया था जब तुम सौम्या से बात कर रही थी। पापा आप हमारी छोटी छोटी खुशियों का कितना ध्यान रखते हैं। बेटा हम लोग तो जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। माँ बाप जो है तुम्हारे, अब तुम बताओ तुम खुश हो ना इस रिश्ते से? बस बेटा हम यही सुनना चाहते थे कि तुम खुश हो। पूरे इलाहाबाद में सर ऊंचा करके चलते हैं क्योंकि हमारे लिए हमारी बेटियां हमारा गुरूर हैं। और वो खुश हैं तो हम भी खुश हैं। बेटा कभी भी कोई तकलीफ हो तो हमें जरूर बताना। तुम्हारा पापा तुम्हारे चेहरे पे खुशी लाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ओफो, बाप बेटी की इमोशनल बातों में ये कहना तो भूल ही गए कि आपको मिलने को आया है बैंक से। चलो बहुत काम पड़ा है। सामान ऐसे ही फेंक दिया। सुहानी भी ना, सुहानी तुम सुनती ही नहीं हो। सर ये मैं फाइल लेके आया था। कितनी देर से इंतजार कर रहे थे इसके लिए, पता नहीं कितनी इंपॉर्टेंट फाइल है। जाइए अब। जी सर, थैंक यू सर। सबसे पहले ये खबर सुहानी को देते हैं क्योंकि ये खबर उसके लिए भी उतनी खास है। हाँ युवराज। सौम्या मैंने मां से बात कर ली, उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। अब हमें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है और अब मुझे सुहानी से भी शादी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन युवराज, युवराज सुहानी का क्या और उसके घर वालों का क्या? मुझे नहीं पता। दूसरों के बारे में सोचकर मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता सौम्या। अगर आधे घंटे में तुम यहां नहीं आई तो मैं सुहानी के घर जाकर सब कुछ बता दूंगा। नहीं नहीं युवराज प्लीज, देखो देखो तुम ऐसा मत करना। मैं तुम्हें ठीक 5 बजे कंपनी गार्डन के पास मिलूंगी। ओके ठीक है। सोमू पटापट हमें तैयार कर दे। अरे पापा आप, कोई काम था? नहीं बेटा पहले तुम तैयार हो जाओ, बात करते हैं फिर। ठीक है। Thank you.
हमें बहुत डर लग रहा है। मम्मी पापा तुमसे दूर जाने का डर सता रहा है। पता होता है कि एक दिन जाना होगा, लेकिन लेकिन जब वो दिन आता तो कुछ समझ में नहीं आता। कितना अजीब लग रहा है ये सोचकर कि अब हम रोज रोज तुमसे मिल ही नहीं पाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है सोमू, तुम्हें पता है ना बचपन से लेके आज तक हर एक खुशी में तुम हमारे साथ रही हो, चाहे वो नर्सरी की क्लास हो, बोर्ड के एग्जाम हो, कॉलेज की मस्ती हो या फिर बागीचे से अमरूद चुराना, बारिश में भीगना, संगम घाट जाना, स्कूटी भगाना। कभी कभी हमें लगता है तो हमारी दोस्त ने हमारी परछाई। तुम्हारे सामने हम हंस सकते हैं, रो सकते हैं, दिल की हर बात कर सकते हैं। इस घर से हम यादें नहीं बल्कि जिंदगी का ऐसा हिस्सा लेकर जा रहे हैं जिसमें तुम भी शामिल थे। सुनो, इस रिश्ते से हमारे बीच कुछ भी नहीं बदलेगा, वादा करो हमसे। तुम वैसे ही हमारी सोमू रहोगी, हमारी एक आवाज पर भाग कर आने वाली, हमारे साथ ढेर सारी मस्ती करने वाली। सोमू तुमसे ही बात कर रहा है, ऐसे क्या देख रही हो कि जैसे आज के बाद देख ही नहीं पाओगी? सुहानी, मैं चाहती हूं कि तू हमेशा खुश रहे। और तू मुझसे वादा कर कि मैं रहूं या ना रहूं तो हमेशा खुश रहे। क्यों, ऐसे क्यों बोल रहे है? कहीं जाने वाली है तू? देख, हम कह रहे हैं इलाहाबाद के लड़के से शादी करके यहीं रह जा। जैसे पहले हमारी दोस्ती पक्की थी वैसे आगे भी रहनी चाहिए, वरना रोज फोन करके परेशान करेंगे, समझी? वैसे आज तू क्या पहनेगी सोमू? मेरी छोड़, मैं तो कुछ भी पहन लूंगी। आज तेरा दिन है, अच्छे से सच सब। अच्छा सुहानी, मैं अब चलती हूँ। भावना दी तुझे नीचे लेके चली जाएंगे, ठीक है? बाय। अरे लेकिन सौम्या, हाँ मैं पहुंच रही हूँ 5 बजे। 5 तो बज गए, ये सौम्या तक आई क्यों नहीं? Pick up the phone, Soumya, please phone uthao. मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगी युवराज। What? Fine. अगर तुम मुझसे मिल नहीं सकती तो मैं खुद जाके सुहानी के मामला को सब बता दूंगी। अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए, मैं आप ही के पास आ रहा था।
कुछ बताना है आपको। मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं उससे प्यार ही नहीं करता। ये सगाई रिश्ता एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी, इसके लिए मैं आपसे और आपके पूरे परिवार से माफी मांगता हूं, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।